वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्रॉम सोलांग वैली। यस, तो काफ़ी रिवर क्रॉसिंग वगैरह करने के बाद कल हम लोग रात को पहुँचे थे यहाँ पर, जो कि लगभग 8:30 बज गया था। अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, और ये खूबसूरत होटल हम लोगों को मिला रात को। ये तो सबसे पहले ये बताऊँ कि आज है हमारा 15th डे ऑफ कोलकाता टू लद्दाख बाइक ट्रिप, एंड आज का डेट है 23rd सितंबर। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, लेट से निकलेंगे बिकॉज़ आज का प्लान है कुल्लू में जाके थोड़ा बाइक का सर्विस करवाना। बट मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं फ़िलहाल, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपको जो बोलना है मैं बोलूँगा। अभी मैंने आपको वो एप्पल वाला गार्डन दिखाया था, लेकिन वहाँ का थोड़ा खूबसूरती अलग था। यहाँ का आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये पूरा वही गार्डन है, और देखो ना छोटा छोटा एप्पल्स, एंड देन ये उसके बाद ये फ्लावर्स। मतलब मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। वो पीछे में है ना, सब एप्पल्स हैं यहाँ पर। मतलब एंड देन इट्स लाइक बारिश हो रहा ना, वो फॉग आया हुआ है, और ऐसा खूबसूरती कि आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस। इतना प्यारा, इट्स जस्ट यू हैव टू फील इट। मैं तो बोलूँगा कि मेरे को पता नहीं था कि हिमाचल प्रदेश भी इतना खूबसूरत है। अभी मैंने कल भी बताया आपको, आज ही बताता हूँ कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट बार एक प्लान करूँगा, सिर्फ हिमाचल प्रदेश एंड ये जो एरियाज नियर बाई है वहाँ पर मैं घूमूँगा। बहुत ही खूबसूरत है। मतलब कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिसमें कि मतलब जो लीव्स है वो लीव्स ही नहीं है, सिर्फ एप्पल्स ही भरे हुए हैं। अगर आप ये देखो, ये वाले में इसमें तो सिर्फ ब्रांचेस है, एंड वो रेड रेड एप्पल ही दिख रहा है, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। इट्स अमेजिंग, मतलब अनबिलीवेबल कि इतना खूबसूरत नेचर हो सकता है यार। और बात ये कि ये इतना खूबसूरत है, ऐसा मेरे को एक्साइटमेंट नहीं हो रहा कि मैं जाके फटक से एक एप्पल तोड़ लूँ और खा लूँ। मेरे को वो देख के इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इट इज़ सो अमेजिंग। वो पीछे एकदम से क्लाउड्स ठहरा हुआ है। मतलब आप मेरा फीलिंग्स आप समझ सकते हो कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, यू नो, आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ और कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। बस दिस इज़ व्हाट इट इज़। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। सो ये होटल एंड ये लोकेशन इतना खूबसूरत है कि आई एम सो हाईली इम्प्रेस्ड कि मैं आपको बिना दिखाए रह नहीं सकता। द नेम ऑफ द होटल इज़ स्काई वन स्की रिजॉर्ट, ठीक है, वन होटल्स। तो बेसिकली ये एकदम से जब हम लोग अटल टनल क्रॉस किए थे उसके बाद कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद ही ऑन द वे रास्ते पे ही मिला, एकदम रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर ही। थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, रास्ता अच्छा है, बट द होटल इज़ वंडरफुल एंड वी पेड अराउंड आई थिंक 1000 रुपीस पर रूम। सो आई विल शो यू द रूम नाउ।
क्राउडेड होगा तो यहाँ पर बुफे सिस्टम हो ही सकता है, लेकिन हमने घर में ऑर्डर दिया था खाना, यानी रूम में ऑर्डर दिया था खाना, एंड दिस इज़ दी व्यू। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे सामने में सीढ़ी है, तो सीढ़ी के सामने ये व्यू है, खिड़की खोल के। ऊपर भी कुछ होगा शायद, मैं जान ही रहा हूँ। ये सारे होटल्स, है ना, मस्त। चलो मैं थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ क्योंकि हम लोगों को निकलने का टाइम भी हो रहा है, मैं आपसे निकल के बात करता हूँ। तो अभी लगभग 11:30 बज रहा है एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं कुल्लू के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो KTM है उसका थोड़ा सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिस कारण से उनका काम करवाना है, तो इसीलिए हम लोग आज सिर्फ कुल्लू में जाएंगे, जो कि यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। बारिश हो रही है तो आराम से जाएंगे। ये गाड़ी, ये गाड़ी का सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलते हैं एंड जो भी है रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ, डेफिनेटली खूबसूरत व्यू होगा। टैंक बैग का कवर था ना, पता नहीं कैसे उड़ गया, तो अभी देखो एक बासमती राइस का कवर जोगाड़ते हैं, उसमें छेदा करके DIY बना लिए हैं, मैनेज कर लेंगे अभी जाते जाते। लेकिन आप देख ही सकते हो कि रेनिंग है ना, अब रुक के कुछ फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज ऐसे भी भीग गए हैं, और इससे अच्छा बेटर है कि थोड़ा दूर है, 1 घंटा और है, बाइक चला के चले जाएँ एंड देन आराम करें वहाँ जाके। बट यस, बारिश में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा। तो हमारे दो बाइकर्स लोग जो है वो एक्चुअली ओल्ड कुल्लू वाले रास्ते में चले गए, हम लोग नए वाले रास्ते में, तो अभी मैं इस ब्रिज से उस पार जा रहा हूँ, हम लोग उसके लिए उस साइड में। सो अभी हम लोग एक्चुअली कुल्लू पहुंच गए हैं एंड टाइम हो रहा है 3:30। नाउ द प्रॉब्लम इज़ इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एंड देन वो KTM का जो सस्पेंशन ख़राब हो गया ना, उसको ठीक करने के लिए दिए हुए, वो थोड़ा टाइम लगेगा एंड अभी तक लंच भी नहीं हुआ है, बताओ। तो सामान सारा निकाल के बाइक से ऑटो पर रखे हैं एंड देन एक होटल है यहाँ पर, वहाँ पर आए हुए हैं फिलहाल एंड देन वेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन कीप आवर लगेज। नाउ नेक्स्ट क्या प्लान है, अभी तक कुछ भी प्लान नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रेन, सब कुछ हॉच पॉच हो गया है, सो आई विल अपडेट यू इन द इवनिंग। तो फाइनली बारिश फिनिश्ड, नॉट एक्चुअली फिनिश्ड, अभी रुक गया है। तो होटल मिल गया, खाना वो कुछ कुलचा टाइप का कुछ था, वो खा लिया है टाइम काम चलाने के लिए एंड थोड़ा सा बस अगल बगल घूमता है, जो मिलता है देखता हूँ थोड़ा सा।
मेरा भाई भी पीछे बना रहा है तो थोड़ा घूम रहा हूँ मार्केट देखने के लिए। हवा चलो देखिए उसकी बात खबर है। हवा आपका है ठीक है बोले अच्छा है। अभी खाना खाने गए थे लेकिन कुछ इतना मस्त मतलब उतना ज़्यादा खाने को मन नहीं किया, तो मैं वो सोयाबीन मोमो था वो खाया, काफ़ी अच्छा बना था एक्चुअली। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि कल हमारा प्लान ये हो गया है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर एंड कल का भी फोरकास्ट बारिश का ही है, तो कहीं और घूमने नहीं जाएंगे। तो अभी नीचे की तरफ ही जाएंगे, मतलब दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली दिल्ली काफ़ी दूर है यहाँ से। हम लोग चालू कर देंगे अपना राइड कल सुबह को ही। और रूम को भूल जाइए, मेस्ट अप है। तो एक्स्ट्रा ये प्लास्टिक लेके आया मैं क्योंकि चारों तरफ बारिश हो रहा है, अभी कहीं भी जाओ वहाँ पर ही बारिश हो रहा है। तो डबल लेयरिंग करके मैं सोच रहा हूँ पूरा, क्योंकि दो पैनियर्स हैं, पैनियर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है तो उसको थोड़ा कवर करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा प्लास्टिक ले लिया हूँ। तो फिलहाल मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कल के लिए, सारा सामान इकट्ठा करता हूँ क्योंकि अब नीचे जाने के लिए अब तो ठंडी नहीं रहेगी। जितना भी वार्म क्लोथिंग्स है सबको एकदम अंदर, और जो भीगने वाला कपड़ा है ऊपर। सो मैं आप लोगों से कल मिलूंगा जब मैं सुबह को राइड के लिए निकलूंगा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट।